के बाद बीजेपी के कुछ नेता लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे और नतीजा अब ये हुआ है कि जेडीयू प्रवक्ता भी खुलकर सामने आ गए हैं, जवाब देने लगे हैं। किस तरह के रिएक्शन आए इसको लेकर हमारे जी बिहार झारखंड के बिहार के पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र ने खास बातचीत की है तीन प्रवक्ताओं से। आपको नाम भी हम बता देते हैं, निखिल मंडल, राजीव रंजन और अरविंद निषाद से बात की और कड़ी चेतावनी उनकी तरफ से बीजेपी को दी गई है। तीनों नेताओं ने एक सुर में कहा कि वो हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। जेडीयू की मांग है कि नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करे बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गिरिराज सिंह के बयान पर जेडीयू ने कहा कि कुछ लोग जेडीयू बीजेपी गठबंधन को कमजोर करने पर तुले हुए हैं। जदयू भाजपा के उन नेताओं के खिलाफ एक तरह से हमलावर हो गई है जो लगातार बयानबाजी कर रहे थे। अब सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि इन बयान वीरों को जनता सबक सिखाएगी। आखिर क्या वजह है कि अपने ही सहयोगियों को जनता के सबक सिखाने की बात करें? राजीव रंजन जी हैं और दो प्रवक्ता हैं हमारे साथ, निखिल जी हैं और अरविंद निषाद जी, हम सबसे बात करेंगे। क्यों आपने ऐसा कहा कि जनता सबक सिखाएगी इन लोगों को? देखिए, एक प्रवक्ता के तौर पर मैंने ये कहा है कि एक अलायंस जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करता है। जनता ने नीतीश कुमार जी के चेहरे पर बार बार अगर भरोसा जताया है तो उसकी वजह सबको समझना होगा। वो किसी के आशीर्वाद से या किसी की कृपा से राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, जनता के दिलों पर उन्होंने राज किया। आज डबल डिजिट में लगातार हम ग्रोथ रेट हम दर्ज कर रहे हैं जीडीपी का। गांव गांव में आज सड़कों को पहुंचाया है हम लोगों ने, हर घर में बिजली पहुंची है, कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर। कल से आज वो बेहतर स्थिति में पहुंचे हैं। कुल मिलाकर के जो एक सकारात्मक तस्वीर बनी है वो सबसे बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार किसी भी अलायंस के चेहरा रहे हैं। जनता ने ये नहीं पूछा कि आप किसके साथ हैं, उन्होंने नीतीश कुमार जी के चेहरे पर भरोसा किया और उस अलायंस को जिताया और 2015 का चुनाव इसका बड़ा प्रमाण है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा अलायंस है। कुछ इंडिविजुअल्स क्या बोलते हैं उसका बहुत ज्यादा उसकी हम परवाह नहीं करते हैं, लेकिन पार्टी को जरूर समझना होगा कि ऐसे लोग जिनका कोई जमीनी आधार नहीं है, जो परिक्रमा करने की राजनीति करते रहे, कई दलों की लक्ष्मण रेखा को पार करके वो जब दल में आते हैं तो गुमनामी से उबरने के लिए नीतीश कुमार जी का नाम एक ऐसा नाम है जिसके जरिए वो चर्चा में आते हैं। और ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी को भी पहचानना चाहिए और जन आकांक्षाओं के अनुरूप इस अलायंस को जो 2019 में शानदार कामयाबियां मिली है उसको दोहराने के लिए नीतीश कुमार जी के साथ जब बिहार की जनता है तो गठबंधन के सभी नेताओं को भी लगना चाहिए। अच्छा, गठबंधन के सभी नेताओं को लगना चाहिए, क्या लगता है कि गठबंधन को तोड़ने में ऐसे लोग लगे हुए हैं, क्या करना चाहते हैं लोग? देखिए, निश्चित रूप से लगातार इस तरह की बयानबाजी हो रही है। कुछ बयानवीर नेता हैं जो कि लगातार वो भी हमारे शिष्ट नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, तो हम जरूर आग्रह करेंगे बीजेपी के तमाम शिष्ट नेतृत्व से कि ऐसे तमाम बयानवीर नेताओं पे लगाम लगाएं, क्योंकि जब आप गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म निभाना सिर्फ जदयू का काम नहीं है, बीजेपी के नेताओं पे भी ये लागू होता है, तो हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि जल्द से जल्द ऐसे जितने बयानवीर नेता हैं उस पे विराम लगाएं। देखिए, मैं ऐसे नेताओं को नसीहत देना चाहता हूं कि आप जब एक गठबंधन में होते हैं तो गठबंधन का एक सीमा होता है, उस सीमा रेखा को पार नहीं करना चाहिए। जब गठबंधन के शीर्ष नेता कुछ राय विचार व्यक्त करें उसके आधार पर कोई नेता अगर कुछ बोलता है तो चीजें समझ में आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जो न्यू एज न्यू जनरेशन की जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसमें बने रहने के लिए, उसके होर में दिखाई पड़ने के लिए ऐसे लोग चर्चा में बने रहने के लिए बयानबाजियां करते हैं और राज्य के मुख्यमंत्री का सहारा लेते हैं। ऐसे लोग जो अपने कार्यों से अपने लिए नहीं जाने जाते हैं बल्कि दूसरे के कार्यों से और दूसरे का नाम का सहारा लेकर के राजनीति में बने रहने का काम करते हैं, चुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं और मुख्यमंत्री जी का विशेष आशीर्वाद लेते हैं और विशेष उनके लिए चुनाव प्रचार अभियान में शामिल होते हैं, वैसे लोग चुनाव जीतने के बाद नया राग अलापते हैं। ऐसे लोगों से राज्य की जनता तौबा करेगी। आगे कैमरा फिरोज के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी बिहार झारखंड के बिहार पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जुड़ रहे हैं, उनसे इस विषय को और बेहतर तरीके से समझते हैं। शैलेंद्र, जो आपकी बातचीत हुई उससे इशारा यही लग रहा है कि जेडीयू खासी खुश नहीं है। बीजेपी के नेताओं का जो बयान आ रहा है, खासतौर पर गिरिराज सिंह का यहाँ पर जिक्र जरूरी है क्योंकि उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी, तो कहीं ना कहीं ये समझ लें कि अब जेडीयू भी एक्शन में आ चुकी है और साफ तौर पर सवाल पूछ रही है कि बार बार नीतीश कुमार को लेकर क्यों प्रश्न किया जा रहा है, और अगर ऐसा किया जा रहा है तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, यही सवाल है और यही सवाल अब सीधा तौर पे एक तरह से कहें जदयू की तरफ से किया जाने लगा, और जो फोरम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे भाजपा के नेता कर रहे हैं कुछ नेता, उसी को लेकर हमलावर है जदयू। और साफ तौर पे अब ये कह रही है कि जो भाजपा नेतृत्व है, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, उनको ऐसे नेताओं को समझा लेना चाहिए। तो एक तरह से कहें कि गठबंधन में अब जिस तरह की बातें हैं वो साफ तौर पर आने लगी है। एक हमारे साथ अजीत चौधरी हैं जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। जदयू ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर भाजपा अपने बयानवीरों को नहीं समझाती है तो हम जो है एक तरह से कहें कि उसको लेकर हमलावर हो गई। किसने क्या बयान दिया है जदयू? जदयू के तीन जी, जो गिरिराज सिंह हैं, संजय पासवान हैं या और नेता हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनको लेकर उन लोगों का कहना है कि ये परिक्रमा करने वाले नेता हैं, अगर वो छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, एक चीज तो जो भी जेडीयू के लोग हैं और एनडीए के लोग हैं, सबको बड़ी अच्छी तरह इस बात को समझ लेना चाहिए कि एक तो क्या है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कोई जो अगर राजनीति कर रहे हैं तो उनकी, किसी भी पार्टी की मैं बात करूँ, अपने सिर्फ विशेष तौर से अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है और लोग अपने सोच को रखते हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कह दूँ, भाजपा के जो भी लोग कह रहे हैं वो पार्टी का लाइन नहीं है। पार्टी का लाइन ये है जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष बोलेंगे, जो पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे, वो पार्टी का लाइन है। और पार्टी का लाइन ये है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, और यह जो सरकार चल रही है प्रदेश के भले के लिए चल रही है, प्रदेश के लोगों को, यहाँ दलितों पिछड़ों सभी लोगों को अधिकारों के लिए चल रही है। ये सब तो ठीक है, लेकिन साफ तौर पे जदयू के जो प्रवक्ता हैं, पांच प्रवक्ता, उसमें तीन प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि गठबंधन धर्म का पालन करना सिर्फ मेरा काम नहीं है, भाजपा के लोगों को समझना चाहिए और समझाना चाहिए अपने लोगों को। देखिए, मुझे तो लगता है कि जो भी लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, चाहे हमारी तरफ से हो या जेडीयू के तरफ से है, वो सभी लोग जो हैं एक एनडीए की छवि को और उसका जो एक एक जो काम कर रही है यहाँ एनडीए की सरकार, जो प्रदेश के भले के लिए, उसकी छवि को कम कर रहे हैं। लोग हमारे नेतृत्व को छवि को कम कर रहे हैं। इस तरह से की बयानबाजी जो है नहीं होनी चाहिए, और सब लोगों से एक आग्रह होगा कि पार्टी लाइन पे ही बोले। अपनी पार्टी के नेताओं से क्या कहेंगे आप लोग, क्योंकि आपकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा प्रवक्ताओं का बयान ही फाइनल माना जाएगा, तो किस तरह से कहेंगे, क्या क्या होना चाहिए? देखिए, मैं सभी मीडिया के लोगों से भी कहना चाहूंगा, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, जो पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं, अगर आप उनको दिखाएंगे तो कहीं कोई विवाद नहीं होगा, लेकिन अगर आप कैमरा को अगर लेकर के किसी बड़े नेता के पास चले जाते हैं और जब आप उनके माइक लगाते हैं तो निश्चित तौर पे जब आप कुछ पूछेंगे कुछ प्रश्नों का तो जवाब दे ही देते हैं। कुछ सवाल होता है तभी वो जवाब देते हैं, कुछ उनके मन में रहता है वो लोग बोलते हैं तो हम लोग दिखाते हैं, हम लोग तो कोई ऐसा कहते नहीं कि आप वो कर दीजिए। और इस तरह के जब बयान आते हैं तो साफ तौर पे है कि जैसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उन्होंने कल किस जिस तरह का बयान दिया या आज जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं कि मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा और क्या क्या बात कर रहे हैं, तो इसमें तो हम लोगों का कहां से हुआ जाए। देखिए, बेहतर होगा जो वो बोल रहे हैं उसका सफाई वही दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते हैं। मैं पार्टी लाइन पे बोल रहा हूं और इतना ही कहूंगा कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो हमारी जो सरकार यहाँ चल रही है उस सरकार की छवि इससे धूमिल होती है और हम कमजोर होते हैं, इसलिए ऐसा। सरकार की छवि को बचाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसी कुछ ऐसा है कि आप लोग कुछ कुछ करना चाहें? शैलेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे और सवाल भी लेंगे। तो साफ तौर पर यहाँ पर ये जरूर कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जेडीयू को नसीहत दी जा रही है कि बयानबाजी से बचे, वहीं मौका मिल गया है आरजेडी को, विपक्ष को, लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है। साबित हो चुका है माइनस नीतीश कुमार जी बिहार में कोई सरकार नहीं बना सकता। जिस टीम का कैप्टन नीतीश कुमार होगा उसी की सरकार बनेगी बिहार में,
इम्पोर्टेंस रखती है? देखिए, हम लोग का गठबंधन अटूट है जी, लेकिन नीतीश कुमार जी एक बड़ा चेहरा है, कोई माइनस नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी में देखिए कुछ लोग जनाधार विहीन अप्रवासी नेता का मैं बयान सुनते रहता हूँ, वो लोग बयान देते हैं, नीतीश कुमार जी को गाली देंगे तो उनको आप लोग स्पेस दीजिएगा, पब्लिसिटी के लिए करते हैं। कि संजय सिंह जी को यह बयान देने की जरूरत नहीं थी, इसका कोई औचित्य नहीं है। अभी ये जो सरकार है ये एनडीए की सरकार चल रही है और भाजपा और जेडीयू का जो संबंध है लंबे वर्षों का संबंध है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस सब ये बोलने की जरूरत है। ये सरकार अच्छे तरीके से चल रही है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हम सब लोग उनको समर्थन दे रहे हैं और उनका बिहार के अंदर बड़ा फेस है। इस तरह से बोल करके उनके चेहरे को वो जो है और उनकी छवि को और धूमिल करने का काम कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी का अब अंतिम चरण में आ चुके हैं जी, और जिस तरीका का खेला ये लगातार खेलते रहे हैं, 15 वर्षों तक शासन जो इनकी चली है, 15 वर्षों का शासन इनका जो हुआ है कि इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल, कूदते कूदते जो है पूरे बिहार के लोग और सभी पार्टी के नेता भी इस बात को जान गए हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि नीतीश जी को अगर इतना ही अपने जनाधार पर विश्वास है और अपने ताकत और अपने विकास पर है ताकत है, अगर विश्वास इनको है तो अपने चुनाव लड़ लें, अकेले चुनाव लड़ कर करके देख ले। और शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर रुक कर लेते हैं। उनके साथ अजीत चौधरी भी हैं। शैलेंद्र, अजीत चौधरी साहब से ये पूछिए आप कि इतना सब कुछ अगर हो रहा है, अगर उन्हें समझ में आ रहा है कि कुछ नेता मुखर होकर कुछ ऐसी बातें बोल दे रहे हैं जिससे गठबंधन को नुकसान पहुंच रहा है, छवि खराब हो रही है, आरजेडी प्रश्न उठा रही है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते, उनकी बोलती बंद क्यों नहीं कराते ऐसे बड़बोले नेताओं की? जी बिल्कुल, मैं सीधा सवाल लेता हूँ। ये है कि अगर मान लीजिए इस तरह का बयानबाजी हो रही है तो ऐसे नेताओं पे लगाम क्यों नहीं लगते, उनका उनका बयान जो दे रहे हैं उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? देखिए शैलेंद्र जी, मीडिया जो है एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में, जिस प्रकार से आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के रूप में चीज़ों को दिखाते हैं, आप कहते हैं कि मैं चीज़ों को दिखाना बंद नहीं कर सकता, जो बातें आएंगी हमारे सामने में जो दिखाने लायक रहेगी मैं उसे दिखाऊंगा। वही हमने कहा कि हमारे जो भी नेता हैं, बड़े नेता हैं, ये उनको खुद ही फैसला लेना है कि किन मुद्दों पे उन्हें बोलना चाहिए, किन मुद्दों पे नहीं बोलना चाहिए। सवाल और है, साफ तौर पे कहा गया है, ये समझिए पार्टी लाइन की तरफ से कोई निर्देश नहीं दिया गया है, कुछ भी बोलेंगे बोलने देंगे। देखिए, अभी तक हमारी जो सरकार चल रही है, इस सरकार के बड़े नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और एक और सबसे एक बड़ी चीज क्या है कि ये जो एनडीए की सरकार चल रही है वो भाजपा गठ भी उस सरकार में, भाजपा उसकी समर्थन में है, भाजपा के साथ सरकार चल रही है। लेकिन ये बताइए, नहीं शैलेंद्र, अभी से पूरी तरह से ये समझा जा सकता है, बस कोशिश हो रही है संभालने की चीजों को। अजीत चौधरी के पास कुछ है नहीं, कहने को वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़े नेताओं को सोचना चाहिए, तो पार्टी को भी तो लगाम लगानी चाहिए ना जहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। चलिए शैलेंद्र, समय की कमी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अजीत चौधरी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो फिलहाल बीजेपी की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, हमारा जो नेता है वो नीतीश कुमार ही है, लेकिन उन नेताओं की बात जब की जा रही है जो लगातार बोल रहे हैं जेडीयू के खिलाफ, तो उनको लेकर उनका ये कहना है कि नेताओं को खुद